लिखने वाले ने लिख डाला, जय हो। लिखने वाले ने लिख डाला, मिटा न कोई पाया। इस भजन का असली अर्थ समझ लेना प्रेमियों, मेरे ठाकुर का महत्व समझ में आ जाएगा कि क्यों है हारे का सहारा। लिखने वाले ने लिख डाला, मिटा न कोई पाया। इसीलिए बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी, बिगड़ी बनाने वाले दुनिया को सिर्फ इतना पता है कि भगवान ने इसे शीश का दान दिया और इसे वरदान दिया कि कलयुग में तू मेरे नाम से पूजा जाएगा। नहीं, ये सिर्फ 25% वरदान था, बाकी का 75% हमें पता ही नहीं है। क्यों लोग कहते हैं कि एक पल में यहां किस्मत बदलती है? क्यों लोग कहते हैं कि यहां एक पल में खाली झोलियां भरती हैं? क्यों लोग कहते हैं कि यहां एक पल में हाथों की बुरी रेखाएं मिट जाती हैं? उसका कारण है, कहते हैं जब भगवान ने इसे वरदान दिया तो जानते हैं सबसे बड़ा वरदान क्या दिया था? सबसे बड़ा वरदान कि बर्बरी आज मैं तुझे एक वरदान देता हूं, वो वरदान मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, सिर्फ तुझे दे रहा हूं तेरे इस बलिदान की वजह से। भगवान ने कहा कि बर्बरी, जिसकी किस्मत में मैंने दुख लिख दिया, तीनों लोग साक्षी हैं, उसे कभी कोई सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी तकदीर में मैंने दुख लिखा है। लेकिन आज मैं तुझे एक अधिकार देता हूं कलयुग में कि जिसकी किस्मत में मैंने दुख लिख दिया और अगर उसने तेरी चौखट पर आकर अपना सर रख दिया तो मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरी चौखट पर मेरा लिखा हुआ भी बदले। ये वो चौखट है खाटों की जहां पर नारायण का लिखा हुआ भी मिटता है, जहां पर भगवान का लिखा हुआ भी मिटता है। इसलिए ही तो कहते हो बोल हारे के सहारे की। क्यों शाम प्रेमी कहते हैं कि चारों तीर्थ नहीं करने, हमें तो खाटू जाना है 11 पे। मैंने सैकड़ों शाम प्रेमी देखे हैं, अगर उनका प्रोग्राम बना 15 दिन का तीर्थ यात्रा पर जाना है 15 दिन, और 15 दिन के बीच में अगर 11 आ गई, एक सेकंड में कैंसिल। बोले नहीं जाते। बोले क्यों? बोले हमारे चारों तीर्थ वहां है भाई, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो बाबा के दरबार में जाएंगे। ये है विश्वास। कारण? क्योंकि नारायण ने तो तकदीर फूटी हुई लिख दी भाई, लेकिन कहते हैं इस फूटी हुई तकदीर की मरम्मत कहीं और नहीं, सीमेंट लगाकर किसी ने की है, किसी और ने नहीं की है। यही है वो दरबार। लिखने वाले ने लिख डाला, मिटा न कोई पाया, बिगड़ी बनाने वाले तेरी। आज कौन कौन लिखवा कर जाएगा? हाथ उठाओ। और जिसकी किस्मत बनाई है, इसने लिखी है, हाथ उठाना, जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगी। दोनों हाथ उठाकर और एक बार कहो बाबा से कि बाबा बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया, ओ बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया। दर्शन करने के लिए लाइन में लगो तो जब तक बाबा के सामने नहीं पहुंच जाओ यही गाते हुए जाना, बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया, ओ
राजाओं के राजा हो तुम, राजा हो तुम, भीख मांगने वाले हैं हम, भीख मांगने वाले हैं तो राजाओं के राजा हो तुम, राजा हो तुम, भीख मांगने वाले हैं हम, भीख मांगने वाले और देने वाला ये ना सोचे, हो देने वाला ये ना सोचे, दे ये ना सोचे, मांगने कौन है आया बिगड़ी बनाने वाले, कितने भिखारी हैं हाथ उठाओ भजन। भिखारियों की एक खास बात क्या होती है जानते हैं आप? लोग कहते हैं भिखारियों से क्या सीखे यार, मैं कहता हूं भिखारियों से भी एक सीख है जो सीखनी चाहिए, और वो सबसे बड़ी सीख है उनमें और हमें फर्क क्या है, एक फर्क है वो मंदिर के बाहर मांगते हैं, हम लोग जाकर मंदिर के अंदर मांगते हैं, है तो दोनों भिखारी। एक चीज उनसे हमेशा सीखना, और ये आपके साथ कई बार हुआ होगा, अगर उनसे कुछ सीखना है तो हट और जिद और बेशर्मी सीखना। आपने कई बार महसूस किया होगा, आप जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं वहां से आपका पल्लू पकड़ते हैं, याद कर लेना आपके साथ हुआ होगा, वहां से आपका पल्लू पकड़ लेते हैं, वहीं से ए बाबू कुछ दे दे, ए सेठ कुछ दे दे, ए माई कुछ दे दे, आपको दुनिया का सबसे बड़ा सेठ बना देते हैं 5 मिनट में, वो ताली बजाओ ना, उनको तो दुआएं देनी चाहिए हमें। मंदिर के बाहर से आपके पीछे लगते हैं और आपके मन में यही होता है बोले नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं दूंगा, परेशान हो जाते हो, झिड़कते हो, धक्के मारते हो, पर कितने ढीठ होते हैं भाई। अगर आपकी गाड़ी 4 किलोमीटर दूर भी खड़ी है तो भाई साहब 4 किलोमीटर तक चले जाएंगे आपके पीछे पीछे, और जैसे ही आप गाड़ी में बैठकर शीशा चढ़ाएंगे गाड़ी के शीशे पर लटक जाएंगे, ओ बाबू दे जा। और अंत में होता क्या है, आपको मजबूर होकर अपने पर्स में हाथ डालना पड़ता है और 10 का नोट निकालकर उसे देना पड़ता है, और जब वो नोट लेकर जाता है ना तो आपकी तरफ ऐसे हंसते हुए देखते हुए जाता है कि जैसे आप हार गए और वो जीत कर चला गया आपके सामने से। ये एक चीज सीखनी चाहिए भिखारियों से, वही जिद रखना इसके दरबार में, पल्लू पकड़ कर रखना, एक बार धक्का मारेगा, 2 बार मारेगा, 4 बार मारेगा, 6 बार मारेगा, पर आखिर में मजबूर हो जाएगा अपने भंडार में हाथ डालकर, कहेगा ले जा यार। ये तो परेशान होने को तैयार रहता है पर परेशान करने वाले ही नहीं रहे हो। ईमानदारी से सच्चा भिखारी बनना, उठाओ हाथ, गर्व की बात है, गर्व है ये कि हम शाम के भिखारी हैं, ताली बजाकर कहो राजाओं के राजा हो तुम, राजा हो तुम, भीख मांगने वाले हैं हम, भीख मांगने वाले हैं, और देने वाला ये ना सोचे, देने वाला ये ना सोचे, दे ये ना सोचे, बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया, ओ बिगड़ी बनाने वाले बाबा।
सिफारिश किसकी, बाबा सिफारिश मेरी तुमसे, यही गुजारिश मेरी तुमसे, यही गुजारिश। आज पहली बार कौन कौन आया है खाटू, एक बार हाथ उठाकर बताओ जो पहली बार आए हैं। क्या बात है, स्वागत है आपके मेरे ठाकुर की नगरी में। एक बार तालियां बजाओ ना, हमारे परिवार में नए मेहमान हैं भाई, ताली बजा कर एक बार बजाओ। ये पंक्तियां आप लोग जरूर गाना जो आज पहली बार आए हो। मैं कसम खाकर कहता हूं, आप जो काम सोचकर आए हो ना, अगली 11 पर आप खुद कह दोगे कि मुकेश भैया यहां से जब घर गए तो 2 दिन बाद से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो गए हमें हमारे काम के, आप खुद कहोगे। लेकिन ये लाइनें आज, 4 लाइनें आज आप गाना जो पहली बार आए हैं, आप ही कहना। किसकी लाऊं बाबा सिफारिश, किसकी बाबा सिफारिश मेरी तुमसे, यही गुजारिश मेरी तुमसे, यही गुजारिश। तेरा दर अब आखिरी दर है, के मैं हूं आया बिगड़ी बनाने वाले बाबा, तेरी शरण में आया ओ बिगड़ी बनाने वाले बाबा, तेरी शरण में आया ओ। तेरा दर अब आखिरी दर है, कि बाबा सुना है हमने क्या। एक नजर जिस पर भी डाले, एक हो वक्त बदल दे देर न लागे, वक्त मैं इसलिए तो कहता हूं कि मेहनत करते रहो 2 घंटे तक, तालियां बजाते रहो, गाते रहो, बार बार पुकारते रहो, पता नहीं आपकी कौन सी आवाज इसके कानों में पड़ जाए और ये नजर उठाकर आपको देख ले। बजाओ। एक नजर जिस पर भी डाले, ओ वक्त बदल दे देर न लागे, वक्त बदल दे देर न लागे। बनवारी में भटक भटक के बन, सबसे बड़ी सच्चाई, बनवारी में भटक भटक के, भटक भटक के सही जगह पे आया बिगड़ी बनाने वाले बाबा, तेरी शरण में आया ओ बिगड़ी बनाने वाले बाबा, तेरी शरण में आया। ओ बनवारी में भटक भटक के, बनवारी में भटक भटक के, बनवा
मैंने कहा ना मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, पर आज बंद किया गाने का प्रेमियों के साथ, और सच बताओ आज गाना वसूल हो गया। ताली बजा कर एक बार बजाओ, अब कहो एक बार और। एक नजर जिस पर भी डाले, वक्त बदल दे देर न लागे, वक्त हम तो कहते हैं, लेकिन जो आज पहली बार खाटू आए हैं वो भी सुनना क्या, आज हम कहते हैं कल आप भी कहोगे यही बात। बनवारी में भटक भटक गे, बनवारी में भटक भटक गे, बनवारी भटक भटक गे, अब सही जगह पे आया बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया, बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया। लिखने वाले ने लिख डाला, बिगड़ी बनाने वाले, एक बार हाथ उठाकर सारे कह दो, बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया, ओ बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया, ओ तेरी शरण में बिगड़ी बनाने।